मैं कहना यह चाहता हूँ, जैसे हम जिला परिषद के मेंबर हैं सर, हमारे एरिया में 40 गांव पड़ते हैं, तो गांव में अगर हम जाते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं अभी हमारा पार्षद हमारे बीच में आया है, हमारा मेंबर हमारे बीच में, अभी हमारे गांव के काम करे, हमारा गांव में कुछ ग्रांट दे, 2 लाख दे, 3 दे। अब हमें साल में मिलते हैं 20 लाख रुपये, हम एक गाँव 50,000 रुपये आते हैं सर एक साल में, इससे में आते हैं, तो हम उनको कैसे सेटिस्फाई करें, हम कर ही नहीं पाते। वो अगली बार हमें गाँव में कैसे घुसने देंगे, वो तो हमें भगाएंगे वहाँ से। सबसे पहले जो 3 बार प्रधानी जीत जाता है ना, वो पॉलिटिक्स को समझ जाता है। मैं 3-4 बार लोकसभा जीता हूँ, मेरी समझ उतनी नहीं होगी जितना जो 3 बार प्रधानी जीतेगा उसकी होगी। अभी भी अफसरशाही मतलब सरपंचों के ऊपर इतनी हावी है कि अगर सरपंच को कोई ग्राम सचिवालय बनवाना है और उसका एस्टीमेट बनवाना है तो जई एसडीओ उसको टाइम से नहीं बनाते हैं। और अभी तो एक और नियम एक गलत से लागू कर दिया कि प्रजातंत्र है इसको खत्म करना चाहते हैं, सरपंच पद को खत्म करने की प्लानिंग है कि सरपंच को केवल 2 लाख रुपए तक के काम को करने की पावर दी है, उसके बाद में उसको टेंडर पे ले जाने की बात की है। लोगों को इन्होंने बोला है कि जिला परिषद के लिए लड़ो, विमेन है, लेकिन जब चेयरमैन की बात आती है तो ये बोलते हैं कि विमेन नहीं है, सिर्फ जेंट्स होंगे। मतलब कहीं पर बोल रहे हैं कि ओनली विमेन, कहीं पर बोल रहे हैं अदर देन विमेन। तो आई थिंक कि ये चीज खत्म करनी चाहिए। नारा तो जय सिया राम है, शिवा शक्ति है, तो बिल्कुल मेरी व्यू है कि मतलब पुरुषों की होती है उतनी जगह महिलाओं की होनी चाहिए। मगर ये जो यहाँ पे पुरुष बैठे हैं थोड़ा आपको ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि ये ज्यादा आगे ना निकल जाएं, लगाम लगाओ नहीं तो भाग जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। मान लीजिए मैं एमएलए हूँ, चुनाव के लिए आप मेरे कंस्टिट्यूएंसी में प्रधान हो, जिला परिषद हो, चुनाव जीतने के लिए आपके पास तो आना पड़ेगा, आपके बिना तो नहीं जीत सकता। तो मैं आपके पास आ गया, चुनाव जीत गया, आपने मदद की, और फिर चुनाव के एकदम बाद मेरे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर ये कैसे हो जाता है? उनको ये लगता है कि इन्होंने मेरे इलेक्शन में मेरी मदद करी है, मान लो मैं सरपंच हूँ, भई ये मेरे पास काम लेके आएंगे रूटीन में, इतने काम मैं इनके कर नहीं सकूंगा, तो इस करके वो इलेक्शन के बाद सरपंचों से, जिला परिषद से, एमसी से किनारा करने लग जाता है। ये भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में और बाकी पार्टियों में कमी है कि जो अच्छा काम कर रहा है वो प्रधानी से, जिला परिषद से, एमएलए से मंत्री तक जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर तक जाना चाहिए। तो आपकी मदद करने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? जो पंचायतों के पैसे आते हैं वो एमएलए को, जैसे एक एचआरडीएफ की ग्रांट मिलती है 5 करोड़ हरियाणा में, एमएलए अपने हल्के में देता है, वो गांव के हिसाब से मिलनी चाहिए। जैसे मेरा ब्लॉक है बरवाड़ा, उसमें पंचकूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की सिर्फ 18 पंचायतें हैं, वो 5 करोड़ तो 18 पंचायतों में गया, और हमारा आता है कालका कॉन्स्टिट्यूएंसी, कालका की है 118 पंचायतें, 5 करोड़ गया 118 को, मतलब 5-5 लाख, और उन पंचायतों को चला गया 30-30 लाख, ये पार्शियलिटी है। जो एसडीओ वो 1.5-2 लाख से ऊपर का 5 लाख का काम एसडीओ वेरीफाई करेगा, और 25 लाख का एक्शन, उससे ऊपर फिर एससी, मतलब पंचायती राज को खत्म करने का काम इस सरकार ये कर रही है। जैसे राजीव जी के टाइम में ये बात आई थी ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे ग्राउंड पे 10 पैसे लगते हैं, सरपंच अपना लेखा जोखा देता है, ग्राम सभा के अंदर भी मैंने इतना आया, मैंने इतना खर्च किया, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जिनको संविधान के तहत पंचायतों के साथ जोड़ा था, वो कहीं ना कहीं ना ग्राम सभा से अटैच, ना पंचायती राज से अटैच। जो पंचायत लेवल पे डेमोक्रेसी फेल हो रही है, चाहे वो पूरे देश में फेल हो रही है, मगर जहां वो बहुत बुरी तरह फेल हो रही है, वहां पे हिंदुस्तान को क्या करना पड़ता है? वहां पे हिंदुस्तान को CRPF, BSF, ITBP ये पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़ती है। तो फिर क्या होता है, जो होम मिनिस्ट्री है वो ज्यादा पावरफुल होती है, और जो सेना का काम है, जो सेना को मतलब बॉर्डर की रक्षा करनी है, चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से मतलब अगर लड़ने की जरूरत हो करना है, उसको करने के बजाय होम मिनिस्ट्री आर्मी को अपना काम करवा रही। तो मतलब पंचायत में डेमोक्रेसी फेल हुई, उसके कारण होम मिनिस्ट्री मजबूत हुई, होम मिनिस्ट्री मजबूत हुई उसके कारण सेना अपना काम नहीं कर पाई, सेना अपना काम नहीं कर पाई, चाइना अंदर घुस गई। अब ये देखिए, तो मतलब जितने जरूरी सेना के लोग हैं उतने ही जरूरी आप लोग, अगर आप लोग मजबूत हो गए हिंदुस्तान की सेना बॉर्डर पे मजबूत होगी, अगर आप फेल होते हो तो चेन है, पूरी चेन फेल होती जाती है।